पहला है आपका संतवाणी। संतवाणी में आपको दो कविता होती है, एक तो अंकिलामी दास तुझा और दूसरी है योगी सर्वकार सुखदाता। ठीक है, योगी सर्वकार सुखदाता अंकिलामी दास तुझा, इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ठीक है, जहाँ पे मैंने पोयम का सब मीनिंग डाला है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगी, ताकि आपको अगर उसका मीनिंग देखना है, समझना है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो वीडियो ओपन हो जाएगी। या फिर आप प्लेलिस्ट में भी मैंने कविता का एक्सप्लेनेशन का एक अलग से फोल्डर बना के रखा है, अगर आप उसमें भी गए तो आपको सभी पोएम्स एक जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कन वाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकी लामी दास तुझा, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वत्स रावे, हेणू हुंबरत धावे, वणवा लागलासे वनिम, पाडस चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आगीत पडणारे, आग में कौन गिर गया था? बाळ, यानी कि उसका माँ का बच्चा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाळू शब्द दिया है, तो ये जो बाळू शब्द है तो उसको आपको क्या करना है, बाळ लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बाळ। आगे है पूछा क्वेश्चन, हुंबरत धावणारी, हुंबरत, हुंबरत का एक्चुअल वर्ड होता है हम्बरणे। हम्बरणे मतलब गाय का आवाज़ होता है। ठीक है, गाय को ही समानार्थी शब्द है धेनु। तो जो हम्बरणे मतलब जो आवाज़ होता है गाय का, तो वो कौन निकालती है? गाय निकालती है। ठीक है, तो गाय को यहाँ पे धेनु शब्द आया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे धेनु ये शब्द लिखा है एज इट इज़। धेनु का जो न का उकार है होता है वो पहला होता है, ह्रस्व होता है। ओके, नेक्स्ट है कोण ते लिहा, कनवाड़ू। यहाँ पे आपको कुछ विशेषता दिया है, कुछ विशेषण दिया है, और आपको विशेष्य लिखना है, मतलब एक क्वालिटी दी है और वो क्वालिटी किस में है ये आपको यहाँ पे लिखना है। सो कनवाड़ू, कनवाड़ू मतलब बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, तो वो कौन है? माता है। चिंतित, चिंतित मतलब बहुत सोचने वाली, ऐसा कौन है? हरिणी है। ठीक है, दास कौन है यहाँ पे? सेवक, दास यानी कि सेवक कौन है? तो संत नामदेव जी सेवक है। किसके सेवक है? पांडुरंग यानी कि विट्ठल भगवान के सेवक है। विनवणारा, विनवणारा मतलब रिक्वेस्ट करने वाला, वो कौन है? चातक पक्षी है। ठीक है, जो बादल को क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम बरस जाओ। ठीक है, अभी ये सब शब्द आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। देखिए, माता, बाद में था हरिणी शब्द, था हरिणी, तो हरिणी शब्द एक्चुअल में यहाँ पे देखिए हरणी ऐसा लिखा है, वो भी लिखोगे तो भी आपका यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने वाला है, पर फिर भी प्रॉपर वर्ड ऐसा है हरिणी, र की वेलांटी ह्रस्व और णी की दीर्घ, तो इसके लिए। और नामदेव ये ऐसा डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ नामा लिखा है, तो आपको कंप्लीट करके यहाँ पे क्या लिखना है? नामदेव ऐसा आपको लिखना है। और चातक, विनवणारा, विनवणारा चातक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चातक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। आगे जाएंगे, यहाँ पे क्या बोला है आपको, शब्दांश अर्थ मतलब मीनिंग लिखना है। धरणी का मतलब ही होता है धरती या फिर पृथ्वी, वन का मतलब ही होता है जंगल, मेघ का मतलब होता है ढग, यानी कि जिसको हम लोग बादल बोलते हैं, ढग बोलते हैं मराठी में। नेक्स्ट है काजा, काजा का मतलब होता है काम, जैसे कि मराठी में एक शब्द है काही काम काज आहे कि नहीं तुला, काम काज, तो काज का मतलब भी काम ही होता है। ठीक है, सो काज, काजा का मतलब होता है काम, और ये शब्द काजा कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए। ठीक है, सो काजा का मतलब होता है काम करना, वर्क करना। नेक्स्ट आपका काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य मतलब बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम काव्य सौंदर्य मतलब क्या होता है। सो देखिए, बेसिकली काव्य सौंदर्य क्या होता है, आपको एक लाइन दी जाती है और लाइन का आपको बोला जाता है कि भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, अलग अलग नाम लेते हैं, पर उसमें एक्चुअल में लिखना क्या होता है? सो बेसिकली आपको उस कविता के बारे में थोड़ा आपको लिखना पड़ता है कि वो कविता किसने लिखी है। ठीक है, कविता का नाम, कविता का जो पोएट है और मेल फीमेल जो भी है उनका नाम लिखना है, कविता का विषय आपको लिखना होता है। ठीक है, जिसको ये मैंने चीज़ें बोली उनको बोलते हैं कवितेची प्रस्तावना, तो आपको थोड़ा सा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है।
और सेकंड पैराग्राफ आपको बनाना होता है, और उसमें आपको ये जो लाइन दिया है उसका आपको मीनिंग लिखना होता है, और इसी को बोलते हैं काव्य सौंदर्य। ठीक है, सो मैंने, देखिए हमारी लाइन पढ़ते हैं पहले। तैसा धावे माझिया काज अंकिलामी दास तुझा। ठीक है, सो इसका मतलब लिखना है। देखिए मैंने क्या किया है, पहले पोयम के बारे में लिखा है, पोयम का नाम क्या था, इस अंकिलामी दास तुझा। सो अंकिलामी दास तुझा या अभंगाचे कवि संत नामदेव हे आहेत, इतना सिंपल लाइन। और इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, कवितेचा प्रस्तावना, ठीक है, और मैंने हिंदी मराठी में दोनों में एक्सप्लेन किया है वो, तो आप ज़रूर उसको देखिए, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ठीक है, सो अंकिलामी दास तुझा या कवितेचे या अभंगाचे, ये एक्चुअली कविता नहीं है, कविता में एक प्रकार आता है अभंग, तो ये अभंग प्रकार की कविता है, तो यहाँ पे मैंने अभंगाचे लिखा है। अंकिलामी दास तुझा या अभंगाचे कवि कोण आहेत, संत नामदेव आहेत। ओके, ये ध्यान में रखिए पहला लाइन, या अभंगात, अभी इसमें क्या बोला है पोयम में वो आपको शॉर्टकट में लिखना है, या अभंगात त्यांनी आई व बाळ यांसारख्या अनेक उदाहरणाद्वारे त्यांचे व विठ्ठलाचे नाते सांगितले आहे। मतलब इस पोयम में कवि ने क्या किया है, एक माँ और बच्चे का एग्जाम्पल दे के, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दे के, उनका मतलब संत नामदेव का और विठ्ठल का जो रिलेशन है, नात का मतलब रिलेशन, जो रिलेशन है उनके बारे में इस पूरे पोयम में बताया गया है। आपको भी पता है, आपने वो सुना है, आपने वो देखा है मीनिंग को। ठीक है, सो आपको इस कविता का मीनिंग पता है कि संत नामदेव क्या करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि देखो, जैसे बच्चे के लिए माँ दौड़ के जाती है, एक चूजे के लिए एक पक्षीण दौड़ के जाती है, हरिण के पाड़स के लिए उसकी माँ हरिणी दौड़ के जाती है, गाय के बछड़े के लिए गाय दौड़ के जाती है, तो इसी तरह से आप भी मेरे लिए दौड़ के आ जाइए। तो ये क्या है, पूरे पोयम में यही बात है, तो वही है कि वो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरण देऊन काय करता है विठ्ठलाचं आणि त्यांचं नातं सांगत आहे। त्याचप्रमाणे अभी आपको इसका मीनिंग भी लिखना है, मैंने बोला आपको कि इसका मीनिंग भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, सो अभी तो ये हमारी सिर्फ प्रस्तावना हुई, मतलब इतना ये हमारा प्रस्तावना हुई। अभी आगे देखिए, ज्याप्रमाणे आगीत पडलेल्या बाळाला वाचवण्यासाठी आई धावून जाते, त्याचप्रमाणे हे परमेश्वरा तू देखील माझ्यासाठी धावून ये, अशी विनवणी संत नामदेव विठ्ठलाला करतात। ओके, मैं फास्ट जा रही हूँ, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ। ओके, ज्याप्रमाणे मतलब जिस तरह आगीत पडलेल्या बाळाला, आग में गिरे हुए बच्चे को वाचवण्यासाठी, बचाने के लिए आई धावून जाते, उसकी माँ दौड़ के जाती है, त्याचप्रमाणे उसी तरह हे परमेश्वरा तू देखील, मतलब हे परमेश्वर आप भी माझ्यासाठी धावून ये, मतलब मेरे लिए दौड़ के आ जाइए, अशी विनवणी संत नामदेव विठ्ठलाला करतात। मतलब ऐसा रिक्वेस्ट, विनवणी यानी कि रिक्वेस्ट, ऐसा रिक्वेस्ट संत नामदेव विठ्ठल से कर रहे हैं। आगे है, संत नामदेव विठ्ठलाला सांगतात की, मतलब संत नामदेव विठ्ठल को और क्या बताते हैं, सांगणे यानी कि बताना, मी तुला शरण आलो आहे, मतलब मैं तुझे शरण आ गया हूँ, म्हणजेच मी तुझा सेवक झालेलो आहे, और किसी के शरण में जाना मतलब उसका सेवक बन जाना, राइट। सो मी तुमचा सेवक झालेलो आहे, मी तुम मतलब मैं आपका सेवक हो गया हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अशा प्रकारे संत नामदेव परमेश्वरावरील अपार प्रेम भावना व्यक्त करतात। और इसी तरह संत नामदेव उनकी जो अपार, अपार का मतलब है जो अबेंडेंस, ठीक है, जो काउंट नहीं किया जा सकता, इतनी जो प्रेम भावना है विट्ठल भगवान के प्रति, वो यहाँ पे इस लाइन से वो व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वही है, तैसा धावे माझी आकाश अंकिलामी दास तुझा। अंकिला का मतलब होता है टू बी कंट्रोल, और कंट्रोल जिसको हम लोग करते हैं वो हमारा सेवक बन जाता है, तो यहाँ पे संत नामदेव यही बोल रहे हैं कि मैं आपके प्यार में इतना खो गया हूँ कि मैं आपका सेवक ही बन गया हूँ, मैं आप से अंकित हो गया हूँ, अंकित यानी कि मैं आपके कंट्रोल में आया हूँ, तो आप मुझे क्या कीजिए, अभी अपना लीजिए, ऐसा इसका मीनिंग होता है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आता एकदम मराठीमध्ये मी नीट वाचून दाखवते। अंकिला मी दास तुझा या अभंगाचे कवी हे संत नामदेव आहेत, हे आपल्याला पहिलं लिहायचं आहे। या अभंगात त्यांनी आई आणि बाळ यांसारख्या उदाहरणाद्वारे त्यांचे व विठ्ठलाचे नाते सांगितले आहे। इथे तुम्ही कुठलंही उदाहरण घेऊ शकता, हरिण आणि पाडस असंही लिहू शकता, मी आई आणि बाळ घेतलं आहे। ठीक आहे, तर आई आणि बाळ यांसारखी अजून काही काही उदाहरणं त्यांनी दिलेली आहेत, आणि त्याद्वारे त्यांनी सांगितलेलं आहे विठ्ठलाला
की यांच्याप्रमाणे तू माझ्यावर प्रेम कर, ठीक आहे, किंवा त्यांचं आणि विठ्ठलाचं नातं सांगितलेलं आहे. सो याच्यामध्ये आपल्याला ओळीचा अर्थ लिहायचा, तर काय लिहिलेलं आहे, ज्याप्रमाणे आगीत पडलेल्या बाळाला वाचवण्यासाठी त्याची आई धावून जाते, तर संत नामदेव म्हणतात की त्याचप्रमाणे तू माझी आवाज ऐकून माझ्यासाठी धावून ये. आणि अशी ती काय करतात, ते विनवणी करतात विठ्ठलाला. आणि अजून काय सांगतात ते विठ्ठलाला, सांगतात की हे विठ्ठला, मी तुला शरण आलेलो आहे, मी तुझा सेवक झालेलो आहे, बरोबर, असं सुद्धा ते सांगतात. म्हणजे ते सरेंडर होतात त्यांच्यासमोर की आता माझं असं काही राहिलेलं नाही आहे, जे काही मी आहे ते तू आहे आणि माझं सगळं आयुष्य हे तुझ्यासाठीच आहे, असं ते काय करतात, डिक्लेअर करतात. आणि अशा प्रकारे संत नामदेव परमेश्वराबद्दल त्यांचा जो अपार असा प्रेमभाव असतो, प्रेमभावना जी असते विठ्ठलाबद्दलचं, भक्तिमय जे प्रेम असतं, ते काय करतात, इथून या ओळीतून व्यक्त करतात. ओके, कळलेलं आहे, पुढे जाऊया. पुढे आहे, अंकिला मी दास तुझा, मुद्द्यांच्या आधारे कृती करा. मतलब आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको उस कविता का सब रसग्रहण लिखना होता है. यहाँ पे ना मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते थे, अभी भी पूछते हैं कि मैम मराठी में रसग्रहण आएगा कि नहीं आएगा. तो मैं उनको वही बोलती हूँ, जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनको रसग्रहण नहीं आएगा, पर रसग्रहण के जगह पे उनको ये मुद्यांच आधारे कृति करा, ये प्रश्न वहाँ पे 8 मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है. सो 8 मार्क्स के लिए मुद्यांच आधारे कृति करा, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें पूरे पोयम के मुद्यांच आधारे का प्रश्न मैंने कवर किया है. 2 वीडियोस बनाई हैं, मराठी वाले बच्चों के लिए मराठी में पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर उसको देखिए. उसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, 2 पॉइंट्स को कवर नहीं किया है, जो कि ये वाला होता है कि क्योंकि आपको कोई भी रैंडम्स लाइन्स दी जाएंगी तो मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैंने लाइन्स का मतलब वहाँ पे नहीं दिया है, और कवितेतून मिलनारा संदेश ये भी मैंने वहाँ पे नहीं दिया है. बाकी मैंने जो सभी बचे हुए जो पॉइंट्स है ये मैंने सभी पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए हैं, और ये नहीं दिया है क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कोई भी रैंडम अर्थ आएगा आएगा पूछे, मतलब वो लोग पूछ सकते हैं कोई भी अर्थ, ठीक है. सो इसके लिए जो प्रेडिक्ट नहीं है, अनप्रेडिक्ट है, तो वो मैंने नहीं दिया है मुद्यांच आधार में, और बाकी जो चीज़ें हैं वो कन्फर्म पूछने ही वाले हैं वो मैंने उसमें लिखा है, ठीक है. और यहाँ पे भी आपको जो बची हुई चीज़ें हैं वो इसी पीडीएफ में मिल भी जाएंगी. सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा आपका एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए. जब आप मराठी का पेपर लिखने के लिए बैठोगे बोर्ड में, तो आपका सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मुद्यांच आधारे कृती कर. आपको बोला जाएगा कि खालीलपैकी कोणत्याही 5 कृती विचारल्या जातील, मतलब नीचे आपको कितनी कृती दिया गया है, कृति आपको दी गई है 6 कृति, पर उसमें से कोई भी 5 कृति ही आपको पूछेंगे, ठीक है. सो ये चीज़ को ध्यान में रखिए. पहला क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछने ही वाले हैं कि कवि का नाम अगर फीमेल है तो कवयित्री का नाम. अभी हमारे जो कवि है अंकिला मी दासतुजा, इसके कवि कौन है हमारे, तो ये है संत नामदेव. प्रस्तुत कवितेचा कवीचे नाव, तो लिखना है संत नामदेव, ऐसे आपको पूरा लिखना है. सिर्फ संत नामदेव लिख के मत आइए एग्जाम में, ठीक है. यहाँ पे ये लाइन आपको मिलेगी, देखिए ये पूरा लिखने का, ऐसे डैश करने का और लिखने का संत नामदेव, ये आपका 1 मार्क यहाँ पे कंफर्म हो जाता है. इसलिए आपको सभी कविताओं के कवि का नाम ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट. दूसरा होता है इस कविता का विषय, ये भी कंफर्म क्वेश्चन होता ही होता है कि आपने जो कविता पढ़ी है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है, तो वो भी 1 मार्क्स के लिए होता है, यानी कि आपको छोटा ही लिखना है. ओके, सो सॉरी. तो यहाँ पे देखिए कवितेचा विषय मैंने लिखा है, या अभंगातून संत नामदेवांनी परमेश्वराला भेटण्याची तीव्र इच्छा विविध उदाहरणे देऊन व्यक्त केली आहे. सॉरी. सो इस कविता में संत नामदेव ने क्या किया है, इस अभंग में, अभंग यानी कि कविता ही ले लो. सो इस अभंगातून मतलब या अभंगातून, इस कविता से संत नामदेव ने क्या किया है, परमेश्वराला भेटण्याची मतलब परमेश्वर को मिलने की तीव्र जो इच्छा है उनको व्यक्त किया है, पर किसके साथ व्यक्त किया है, विविध उदाहरण दे, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल दे के उन्होंने क्या किया है, ये उनकी जो चाह है इच्छा है उसको व्यक्त किया है. तो ये हमारा 1 और 1 मार्क्स, यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स कवर हो जाते हैं, ठीक है. सो 6 में से 2 तो हमने कर लिए, 1,
पहला और दूसरा। अभी नेक्स्ट है आपको इस ओड़ी का सरल अर्थ लिखना है, तो वो लाइन पढ़ने की, सवे चीज हे पावे पक्षिणी पीली पड़ी ताची धरणी। अभी इसका मतलब आपको पता है, ये जब किसी पंछी का कोई जो चूजा होता है वो नेस्ट मतलब घोंसले से नीचे जब गिरता है, तो अगर उसकी माँ ऊपर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो वो देखती है कि मेरा बच्चा नेस्ट मतलब घोंसले से नीचे गिर रहा है, तो वो फटाफट से धरती की ओर चली आती है और उसके बच्चे को चोट से बचाती है, गिरने से बचाती है। ठीक है, तो यही है इसका पूरा मीनिंग, तो इसको आपको लिखना है। देखिए मैंने भी यहाँ पे लिखा है, जेव्हा जेव्हा पक्षिणीची पिल्ले घरट्यातून खाली पडतात, तेव्हा हवेत उडत असणारी पक्षिणी आकाशातून धरणीवर झेप घेते आणि तिच्या पिल्लांना वाचवते। पिल्लांबद्दल आईचे असलेले प्रेम या कृतीतून दिसून येते। अशा प्रकारे संत नामदेव विठ्ठलाबद्दल असणारे प्रेम पक्षीण आणि पिल्लांचे उदाहरण देऊन व्यक्त करत आहे। बस इतना ही सिंपल लिखना है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। जेव्हा पक्षिणी, पक्षिणी यानी कि फीमेल बर्ड, ठीक है, सो जेव्हा पक्षिणीची पिल्ले मतलब जब पक्षिणी की जो पिल्ले मतलब जो चूजे होते हैं घरट्यातून खाली पड़तात, घरट्यातून यानी कि घोंसले से जब नीचे गिरते हैं, तेव्हा हवेत उड़त असणारी पक्षिण, तब हवा में उड़ने वाली जो पक्षिण होती है फीमेल बर्ड, वो क्या करती है, आकाशातून धरणीवर झेप घेते, आका आसमान से धरती की तरफ बढ़ जाती है, तीचा पिल्लाना वाचवते, और क्या करती है, उनके चूजों को बचाती है। पिल्लांबद्दल आईचे असलेले प्रेम या कृतीतून दिसून येते, मतलब बच्चों के प्रति माँ का जो प्यार होता है वही प्यार आपको इस कृति में देखने को मिलता है। ठीक है, पक्षिण और बच्चे के बारे में, चूजों के बारे में। अशा प्रकारे मतलब इस तरह से संत नामदेव विठ्ठलाबद्दल असणारे प्रेम, इस तरह से संत जो नामदेव है वो उनका विठ्ठल के प्रति जो प्यार है उसको बताने के लिए पक्षिण और पिल्लान से उदाहरण देउन व्यक्त करता, मतलब बर्ड और उसके चूजों का एग्जाम्पल देके क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, समझ में आया? तो अभी हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, तीन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी चौथा है, कविता आवडण्याचे वा ना आवडण्याचे कारण, मतलब ये कविता जो है अंकिला मी दासदुजा वो आपको पसंद आई है कि नहीं आई है। ठीक है, और दोनों का आपको रीज़न लिखना है, अगर आपको पसंद आई तो भी आपको रीज़न लिखना है, नहीं पसंद आई तो भी आपको रीज़न लिखना ही है। ठीक है, सो मैं आपको बोलूँगी हमेशा पॉजिटिव लिखिए, तो हाँ हमें पसंद आई है कविता। ठीक है, तो मैंने देखिए क्या लिखा है, ही कविता मला खूब आवडली, मतलब ये कविता मुझे बहुत बहुत पसंद आई, कारण क्योंकि या कवितेत मला संत नामदेवांचे परमेश्वरावर असलेले प्रेम आणि परमेश्वराला भेटण्याची तीव्र इच्छा दिसली, क्योंकि इसी कविता में मुझे संत नामदेव का परमेश्वर के ऊपर कितना प्यार है वो दिखाई दिया, और एज वेल एज उसके साथ मुझे क्या दिखाई दिया, परमेश्वराला भेटण्याची तीव्र इच्छा, मतलब जो संत नामदेव है उनको परमेश्वर को मिलने की जो तीव्र इच्छा है वो भी मुझे यहाँ पे इस कविता से दिखाई देती है। या कवितेत संत नामदेवांनी सोपी उदाहरणे देऊन परमेश्वराबद्दलचे प्रेम व्यक्त केले आहे, मतलब इस कविता में संत नामदेव ने सिंपल सिंपल सोपी सोपी यानी बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स देके परमेश्वर के प्रति उनका जो प्यार है तो वो क्या किया है, व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है। ठीक है, सो इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा अगर आपको लिखना है जो भी तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आपके चार क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। अभी है प्रस्तुत कवितेतुन मिलनारा संदेश, मतलब ये जब कविता हम पढ़ते हैं तो हमें क्या संदेश मिलता है। ठीक है, तो देखिए, या अभंगातून संत नामदेव वेगवेगळी उदाहरणे देऊन विठ्ठलाला भेटण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त करतात। अभी ये लाइन ना रिपीट हो रही है, आप बोलोगे यही सेम चीज मिस आप क्या घुमा फिरा के बोल रहे हो, पर यही चीज है, मुद्यांच्या आधारे कृती जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो वही सब चीजें होती है जो रोटेट होती रहती है हमेशा। ठीक है, सो आपको हमेशा वही बताना पड़ता है। देखिए हमने ऊपर जब ये क्वेश्चन किया था तो कवितेचा विषय, तो कवितेचा जो विषय है वही हमारा संदेश भी होगा ही ना। ठीक है, वही हमारा रीजन भी होगा वो कविता पसंद आने का न आने का, तो ये जो पॉइंट्स है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको सिमिलर लिख सकते हो।
फिर से यही लिखेंगे कि या अभंगातून म्हणजेच या अभंगातून संत नामदेव वेगवेगळी उदाहरणे देतात, ठीक आहे, आणि विठ्ठलाला भेटण्याची तीव्र इच्छा सुद्धा व्यक्त करतात. मतलब इस अभंग से कवि जो है नामदेव वो अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं और विठ्ठल को मिलने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करते हैं. ज्याप्रमाणे आईचे तिच्या मुलावर प्रेम असते त्याचप्रमाणे विठ्ठलाचे देखील आपल्यावर प्रेम असावे असे संत नामदेव यांना वाटते. मतलब जिस तरह से एक माँ का अपने बच्चे के ऊपर प्रेम होता है उसी तरह विठ्ठल भगवान का भी मुझ पे बहुत प्यार हो, ऐसी भावना मतलब ऐसे संत नामदेव जी को लगता है. ये हमें संदेश मिल रहा है इस पोयम से. और क्या है, परमेश्वराबद्दल असणारी प्रेम भावना आपल्याला या अभंगातून दिसते. मतलब इसमें इस पोयम को पढ़ने के बाद हमें क्या संदेश मिलता है, तो परमेश्वर के प्रति हमारे मन में जो प्रेम भावना होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, तो वो नामदेव के प्रेम भावना की तरह ही होनी चाहिए, ये हमें समझ में आता है. परमेश्वराने आपल्याला दर्शन द्यावे म्हणून संत नामदेवांनी हा श्लोक रचला आहे हे सुद्धा आपल्याला कळते. मतलब परमेश्वरने मुझे मतलब परमेश्वर मुझे दर्शन दे इसके लिए उसको मस्का मारने की प्रोसेस या फिर उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ की जाने वाला ये श्लोक है. तो ये हमें संदेश क्या मिलता है इस पोयम को पढ़ने के बाद मिलता है, ठीक है. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा. एक बार मैं मराठी में अच्छे से फिर से रीड करवाती हूँ. या अभंगातून संत नामदेव वेगवेगळी उदाहरणे देऊन विठ्ठलाला भेटण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त करतात. ज्याप्रमाणे आईचे तिच्या मुलावर खूप प्रेम असते त्याचप्रमाणे विठ्ठलाचे देखील आपल्यावर प्रेम असावे असे नामदेवांना वाटते. परमेश्वराबद्दल असणारी प्रेम भावना आपल्याला या अभंगातून दिसते. परमेश्वराने आपल्याला दर्शन द्यावे म्हणून संत नामदेवांनी हा श्लोक रचला आहे. क्लिअर? अभी हमारा जो लास्ट है शब्दांचा अर्थ, ठीक है. शब्दांचा अर्थ में पहला है अंकिला. अंकिला का मतलब क्या होता है, अंकित झालेला. अंकित झालेला का मतलब क्या होता है, कंट्रोल बाय, जिसको हम लोग कंट्रोल मतलब जो व्यक्ति हमारे कंट्रोल में हो उसको हम बोलते हैं अंकित, ठीक है. नेक्स्ट है माता. माता यानी कि आई. दास, दास का मतलब होता है सेवक, और मेघ का समानार्थी होता है ढग. ये तो आपको मैंने बताया. तो इतना ही हमारा शब्दांश अर्थ खत्म हो जाता है. और देखिए ये जो 6 की 6 कृति है वो मैंने आपको यहाँ पे करवाई है, क्लियर. और आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है. आगे जाएंगे. दूसरी पोयम कौन सी है, योगी सर्वकाल सुखदाता, ठीक है. ओके, एक बार रीड करवाती हूँ मैं इसको. जेवी चंद्र किरण चकोरांसी पांखोवा जेवी पिली आंसी जीवन जैसे का जीवांसी तेवी सर्वांसी मृदुत्व जळ वरी वरी शाळी मळ योगी या स बाह्य करी निर्मळ उदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्वकाळ सुखदाता. उदकाचे सुखते किती सवेची क्षणे तृषिते होती योगी या दे स्वानंद तृप्ती सुखासे विकृती पै नाही. उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वताम योगियांचे गोडपण पाहता होय नीव वीता सर्वेंद्रिया. मेघ मुखे अध पतन उदकासे देखोनी जाण अध पाते निवती जन अन्नदान सकळांसी. तैसे योगी आसे खालुती येणे जे इह लोकी जन्म पावणे जननीववि श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी. ओके, क्लियर. इसका अगर आपको मीनिंग देखना है तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, तो आप उसको सुनिए, ठीक है. एग्जाम से पहले मैं तो आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक पोयम को हाथ भी नहीं लगाया है, उनको पता ही नहीं है उस पोयम में क्या है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आपको पढ़ने में नहीं हो रहा है, कंटाला आ रहा है, जो भी आपके जो भी रीज़न है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कितना भी कंटाला क्यों ना आए, आपके पास बहुत कम समय है अभी, तो एटलीस्ट आप क्या कीजिए, जो वीडियोस बनाई हैं मीनिंग वाली उनको एटलीस्ट आप सुनिए. आप जब सोते हो, टाइम पास करते हो, ऐसे ही बैठे हो, कुछ मन नहीं करने का, पर ऐसे ही बैठे हो तो कम से कम उसको लगाइए, उसको लगा के बाजू में रखिए और उनको एटलीस्ट सुनिए.
सुनने से भी आपका बहुत सारा मराठी का पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन किया है, पोएम्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मराठी का पढ़ाई नहीं हुआ है, 1 महीने में मैं कैसे करूँगा, तो मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ कि प्लीज़ जो वीडियोस है एटलीस्ट उनको सुनिए, क्योंकि सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे नहीं वो ठीक है, चलो पढ़ने में आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, पर एटलीस्ट आप वीडियो को सुना कीजिए, तो आपको पता होगा कि किस चैप्टर में किस पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है, किस पोएम का क्या मीनिंग है। तो आप एटलीस्ट उसके आधार पर क्वेश्चंस आंसर्स पैसेज में से, स्टांजा में से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई इजी वे नहीं है, इजी वे इतना ही है कि आपको अगर पढ़ना नहीं है, रीड करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कम से कम उनको सुनिए, मैं इतना ही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ओके, दूसरी पोयम है हमारा योगी सर्वकार सुखदाता। इसमें क्या बताया है, योगी पुरुष और पानी इन दोनों की तुलना की गई है और बोला है कि योगी पुरुष कैसा श्रेष्ठ है, ठीक है। आगे है पहला क्वेश्चन, चंद्र किरण पीउन जगनारा। चंद्र किरण यानी कि चांद की जो किरणें होती है, शीतल किरणें, हाँ मून रेस, उनको पीकर कौन जीता है, तो वो है चकोर। यहाँ पे देखिए चकोर, चंद्र किरण के बाजू में ही वर्ड है चकोर, आंसी, पर आंसी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ चकोर लिखना है। और ये चकोर जो है वो इमेजिनरी माइथोलॉजिकल बर्ड है, इमेजिन किया हुआ है, मतलब कल्पना वाला ये पक्षी है, ऐसा कोई सच में पक्षी नहीं है जो चांद की किरणें पी के जीता है। यह हमारे पुराने जो बुक्स है, वेद है, उनमें इस पक्षी के बारे में बोला गया है, वो पहले होगा पर अभी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पिल्लाना सहारा। पिल्लाना, पिल्ला यानी कि जो चूजे हैं उनको सहारा, उनको सपोर्ट कौन करता है, पांखोवा। पांखोवा मतलब जो माँ के पंख होते हैं वो छोटे चूजों को बचाते हैं संकट से। सो पांखोवा वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब दोनों ही आपको आंसर एक ही पहले ही लाइन में मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। आगे है योगी पुरुषांचा चार विशेष बापी। अभी यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। सो मुझे जो लगता है वो मैं आपको आंसर यहाँ पे बताती हूँ कि योगी जो पुरुष होता है उनकी चार विशेष, मतलब चार क्वालिटीज़ कौन सी होती है। एक तो वो सर्वकार सुखदाता, मतलब वो हमेशा सबको क्या करते हैं, ऐसा सुख देते हैं जो हमेशा लाइफ टाइम रहे, लाइफ टाइम हैप्पीनेस वो आपको देते हैं। सबाह्य निर्मल करणारा, मतलब अंदर से और बाहर से आपको निर्मल कर देते हैं वो, क्लीन कर देते हैं आपका माइंड प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर करते हैं, और आपको स्वच्छता का महत्व भी सिखाते हैं। तो आप नहाते हो वक्त पे, आपको क्लीन रखते हो बॉडी को, वो भी सब होता है। सर्व इंद्रियाना संतुष्ट करणारा, मतलब जब आप योगी पुरुष जो होता है वो क्या करता है, आपके पूरे जो सेंस ऑर्गेन्स होते हैं उनको कंट्रोल में लाता है, उनको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वानंद तृप्ति, मतलब आपको वो ऐसा समाधान देता है, वो ऐसे सेटिस्फेक्शन देता है कि आपको ऐसा लगता है नहीं अभी किसी चीज़ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं उतने में ही खुश हूँ। तो ये जो भावना होती है कि सेल्फ सेटिस्फाइड जो होता है वो आपको हमेशा योगी पुरुष सिखाता है, ठीक है। सो ये चार चीज़ें मैंने लिखी है। सर्वकार सुखदाता, यहाँ पे देखिए वर्ड्स कहाँ कहाँ हैं, सर्वकार सुखदाता, उसके बाद में स्वानंद तृप्ति है, सबाह्य करी निर्मल है, और सर्वेंद्रिया, ठीक है, नीववीता सर्वेंद्रिया। तो ये चार चीज़ें मुझे लगती है योगी पुरुष की खास विशेषताएं। आगे जाएंगे, आपको क्या बोला है, अर्थ लिखना है आपको। उदक का मतलब ही होता है जल, जल यानी कि पानी। मल का मतलब होता है मल, सिर्फ ल के जगह पे ल करना है आपको, मतलब जो डर्ट होता है, मिट्टी, धूल मिट्टी, डर्ट। रसना, रसना यानी कि जो समर वेकेशन में रसना पीते हैं वो वाला रसना नहीं है, रसना का मतलब होता है टंग, ठीक है, और टंग को मराठी में जीभ बोलते हैं, हमारी जुबा। नेक्स्ट है निज ज्ञान, निज ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, पर मराठी में उसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। सो निज ज्ञान, इसका ही सिमिलर वर्ड है आत्मज्ञान, ठीक है। आत्मज्ञान मतलब खुद के बारे में आपको पता होना, आत्मज्ञान, आत्म यानी कि खुद, आपके बारे में, ठीक है। हम पूरे विश्व के बारे में सोचने में
और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने में, नॉलेज प्राप्त करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद को क्या चाहिए वो कभी देखते ही नहीं है, खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, सेल्फिश वाला सोचना नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं, प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश। कभी भी किसी को भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही डीपली होती है, कि जहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है सच में। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो होती है डीप डाउन, तो उसको बोलते हैं निज ज्ञान या फिर आत्मज्ञान। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से आपको काव्य सौंदर्य दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। पर यहाँ पे एक्चुअली उनका मिस्टेक क्या हो गया, मैं यहाँ पे बताती हूँ। काव्य सौंदर्य में उनको पोयम की लाइन दी देनी होती है, पर उन्होंने लाइन नहीं दिए है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि योगी पुरुष आणि पाणी, ये दोगे ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्पष्ट कर। मतलब योगी पुरुष भी एक समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, पानी भी समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, तो दोनों के बारे में आपको बताना है। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, ये काव्य सौंदर्य ये नहीं है। तो यहाँ पे ये उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे पानी के यूजेस लिखने हैं आपको, योगी पुरुष के यूजेस लिखने हैं, इतना ही है। सो देखिए, पानी है जीवन है, राइट, पानी ही जीवन है, पाण्याशिवाय कोण ही जास्त काळ जगू शकत नाही। मतलब विदाउट वॉटर एनी लिविंग बींग, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी पशु, जानवर, पेड़ पौधे, कोई भी ज़्यादा समय के लिए जिंदा रह ही नहीं सकता। पानी ही प्रत्येक जीवाची गरज है, मतलब पानी ये हर हर जो जीव है, जो लिविंग बींग है, उसकी क्या है, ज़रूरत है, गरज यानी कि नीड है। ठीक है, ज़रूरत है। पाण्याचा उपयोग अनेक कामांसाठी होतो। अभी बच्चों के जैसे ऐसे नहीं बोलने का कि पानी का उपयोग नहाने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है, पीने, ऐसे डोंट डोंट डू दिस। ओके, आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको क्या बच्चों के जैसे पाण्याचा उपयोग नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, सो आपको एक ही लाइन में वो बताना है कि पाण्याचा उपयोग अनेक कामांसाठी होतो। वाटर का यूज़ बहुत सारे कामों के लिए होता है। पाणी तहान भागवते, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पोयम में है वो चीज़ कि पानी सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है, पर योगी पुरुष आपका आपकी प्यास हमेशा के लिए बुझाता है, ऐसा है वो। तो यहाँ पे तहान ये शब्द मैंने इसीलिए डाला है, पानी तहान भागवता मतलब प्यास बुझाता है। पाण्यान प्रमाणे, यहाँ पे पानी देखिए इतने में ही आपका पानी का लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का है। कभी कभी क्या होता है पता है, बच्चे ना जब उनका फेवरेट पैसेज आता है या फिर उनकी फेवरेट पोएम आ जाती है, तो उसमें खो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं, तो उनको लगता है मैं कितना लिखूं और कितना नहीं, ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। अरे पानी के तो मल्टीपल यूज़ है, मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ। पर सोचिए, थोड़ा ठहरिए और आप मार्क्स को देखिए, इसको सिर्फ 2 मार्क्स है, तो आप कितना भी लिखोगे तो 2 से ज़्यादा तो नहीं मिलने वाले हैं ना। तो डोंट वेस्ट सो मच टाइम। ठीक है, मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी लाइन लिखनी है, आपको 6 लाइन ही लिखनी है उस क्वेश्चन में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली जो है आंसर, वही यहाँ वहाँ का फेंकने का जो लाइन होता है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। एक्चुअल में जितना इम्पॉर्टेंट आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन में है, दैट इज़ इनफ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पर कुछ बच्चे ऐसे खो जाते हैं, वही लिखते बैठते हैं, उनको लगता है अरे बाप रे ये मुझे आता तो मैं ये दिल खोल के लिखूंगा, और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर बाद में पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है, फिर वहाँ पे आपको जहाँ पे लिखना होता है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाता है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा मार्क्स मिलते नहीं हैं, और वहाँ पे आपका निबंध लेखन 8 मार्क्स का ऐसे ही चला जाता है। सो क्या प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, लॉस होता है ना आपको। तो ऐसे मत कीजिए, एकदम भावना में आके बह मत जाइए। पेपर के टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में देना है, मार्क्स कितना है एक क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। ओके, सो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पानी का हमने यूज़ यहाँ पे कंप्लीट किया, अभी आपको योगी पुरुष के बारे में बताना है। पाण्याप्रमाणेच प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात योगी पुरुष सुद्धा खूप महत्त्वाचा असतो। मतलब जैसे हमारे लाइफ में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे हर इंसान के लाइफ में एक योगी पुरुष यानी कि एक अच्छा आदमी, ओके, नॉट नेसेसरी वो साधु हो, वो नारंगी कलर के वस्त्र पहने, या फिर वो हमेशा क्या करे, पूजा करे या फिर व्रत करे, ऐसा नॉट नेसेसरी। योगी पुरुष मतलब जो आपको अच्छे से गाइड करेगा। ठीक है, योगी पुरुष खूप महत्त्वाचा असतो। योगी पुरुष माणसाला स्वानंद तृप्ती देतो। स्वानंद तृप्ती मतलब
योगी पुरुष ऐसा इंसान होता है जो आपको, आपके पास जो है जितना है उसमें आपको खुश रहना सिखाता है, उसी को बोलते हैं स्वानंद तृप्ति। वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं नहीं ये मुकाम पे जाओ तब जाके आपको खुशी मिलेगी। वो बोलेगा जहाँ पे आप हो आप शांत रहिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आप उसको महसूस कीजिए और आप बहुत अच्छा फील करोगे। ये होता है, ठीक है। सामान्य माणसाला त्याच्या जीवनात मार्गदर्शन करतो। जो अच्छा योगी पुरुष होता है ना, वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में गाइड करेगा। ये देखिए, अभी आप विद्यार्थी जीवन में हो तो आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने से आप देश का नाम ऊंचा करोगे, आप अच्छा कुछ काम करोगे, आपका जो ज्ञान है आपको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। सो ऐसी वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा आपके लाइफ में बाद में, है। और गाइडेंस हमेशा ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो विदाउट गाइडेंस आगे बढ़ता है, वो कहाँ से ना कहाँ से वो गाइडेंस प्राप्त कर लेता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, योगी पुरुषाच्या सहवासात मिळणारा आनंद चिरकाळ राहतो। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी। ये मैं आपको एग्जांपल देके ये आंसर क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि देखिए कुछ आंसर है ना रट्टा मारने की नहीं होते, कुछ आंसर को समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। सो योगी पुरुषाच्या सहवासात मतलब योगी पुरुष के साथ हम जब थोड़ा वक्त गुजारते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पता चलती है। मतलब जो किताबें हमें कभी कभी सिखा नहीं पाती, उनकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस जो हमें सिखा नहीं पाते, वो कभी कभी ना सिर्फ सिंपली एक अच्छे आदमी के साथ आप जब थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो ना, आप अपने आप सीख जाते हो कि अरे वो कैसे बिहेव करता है, किस कंडीशन में उसका डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, तो आप वो ऑब्जर्व करने लगते हो और आपको पता चलता है कि अरे नहीं ये चीज़ कितनी अच्छी है जो वो कैसे कर रहा है, वो बात भी कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है तो वो उसको कैसे अच्छे तरीके से सामने वाले को बता रहा है। तो ये चीज़ें अब हमें ही खुद ब खुद अच्छी लगती है जब हम थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं। और ये जो अच्छे लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप योगी पुरुष यानी कि जो अच्छा पुरुष है उसके साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो जो उसके वजह से जो आपको आनंद मिलता है ना, जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो समझदारी की बातें समझ में आती है, वो आपके लाइफ में हमेशा के लिए ठहर जाती है, ठीक है। अशा प्रकारे योगी पुरुष आणि पाणी हे समाजाचे कल्याण करतो। और इसी तरह योगी पुरुष और पाणी दोनों भी क्या करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। ओके, क्लियर। एक बार इसको मराठी में पढ़ती हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ तो वो आंसर थोड़ा सा मिसमॅच होता है। फिर पाणी हे जीवन आहे, पाण्याशिवाय कोणीही जास्त काळ जगू शकत नाही। पाणी ही प्रत्येक जीवाची गरज आहे। पाण्याचा उपयोग अनेक कामांसाठी होतो। पाणी तहान भागवतं। पाण्याप्रमाणेच प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात योगी पुरुष सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे। योगी पुरुष माणसाला स्वानंद तृप्ती देतो, सामान्य माणसाला त्याच्या जीवनात मार्गदर्शन करतो। योगी पुरुषाच्या सहवासात मिळणारा आनंद चिरकाळ टिकणारा असतो। अशा प्रकारे योगी पुरुष आणि पाणी समाजाचे कल्याण करतात, समाजाचे हैं वो। जा, क्लियर। अभी नेक्स्ट तीसरा है हमारा, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, ठीक है। ये तीसरी पोयम है। कितना टाइम हो गया हमारा, ठीक है, ओके। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रू मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगामय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलं। झोतपट्टीत शेकावे पोला, तसे आयुष्य छान शेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले, 2 दुःखात गेले। ओके, 2 दिवस ये जो पोयम है इसके बारे में आप भी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वो वीडियो देखिए, ताकि 2 दिवस पोयम में क्या बताया गया है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, कवींनी पोलादाची उपमा कशाला दिली आहे। पोलाद यानी कि आपको पता है एक मेटल होता है, राइट, पोलाद। सो पोलाद का मतलब तुलना, उपमा किसको दिया है, मतलब पोलाद के जैसे क्या है हमारा
जो कामगार है उसका आयुष्य है, उसका जीवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पोलाद आयुष्य, पोलाद तसे आयुष्य, मतलब तसे ये शब्द क्या कर रहा है, बता रहा है कि जैसा पोलाद है वैसा ही आयुष्य है। नेक्स्ट, कवीची जिंदगी काय करण्यात बर्बाद झाली है, मतलब कवि की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो किस चीज़ में बर्बाद हो चुकी है, किस चीज़ में, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात, यहाँ पे दिया है देखिए। ठीक है, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात, मतलब सिर्फ आधी भाकरी, भाकरी यानी कि चावल की रोटी होती है, ठीक है, सिर्फ हाफ चपाती, हाफ रोटी भी उसको, भाकरी भी उसको मिले तो भी ठीक है, इतना उसका लाइफ क्या है, संघर्षमय है। तो वही फाइंड आउट करने में, फाइंड आउट करने में मतलब कमाने में, कष्ट करने करना है, पैसा कमाना है, और पैसे के इतने ज़्यादा आते नहीं है, तो आधी भाकरी, आधी जो चपाती रोटी होती है वही उसमें आ जाती है, वही खा के उसको गुजारा करना पड़ता है, तो उसी में उसका पूरा जिंदगी चला जाता है, ऐसा इसका मतलब है। आगे हैं, कवि जगाच्या शाळेत हे शिकला, मतलब कवि ये जो संसार है, जग यानी कि संसार, इसके ये पाठशाला में वो क्या सीखता है, ये स्कूल में क्या सीखता है, तो दुख पेलावे कसे पुनः जगावे कसे, मतलब दुख को कैसे पेलना है, कैसे कैरी करना है, और फिर से कैसे जीना है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में हमेशा दुख तो आते ही रहेगा, क्योंकि उनका लाइफ ही संघर्षमय है, कामगार जो वर्कर लोग हैं, तो वही है। यहाँ पे देखिए, दुख पेलावे कसे पुनः जगावे कसे याद शाळेत शिकलो। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला है, अथक व अखंड कष्ट करून ही आयुष्य भर गरिबीतच राहावे लागले, या आशयाची कवितेतील ओळ शोधा, ये मतलब दिया है उन्होंने, मीनिंग दिया है, और बोला है इस मीनिंग का जो लाइन है वो फाइंड आउट करो आप पोएम में से। तो वो मीनिंग क्या है, अथक आणि अखंड कष्ट करून, अथक यानी कि बहुत सारा, और अखंड यानी कि कंटिन्यूअसली, बहुत कष्ट किया है हमने, कंटिन्यूअसली कष्ट किया है हमने, पर फिर भी हम गरीबी में ही हमारा जीवन जा रहा है, तो इसका लाइन है हमारे पोयम में ये वाला, हे हाथ माझे सर्वस्व, मतलब ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा सब कुछ है, दारिद्र्याकडे गहाण राहिले, मतलब ये गरीबी के पास ही वो क्या है, गिरवी रखे है, रह गए हैं, मतलब मैं हमेशा ही दारिद्री, मतलब गरीब ही रहने वाला हूँ। तो ये लाइन आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, आगे बोला है, जोत पट्टी शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले, या ओळीचा तुम्हाला अर्थ लिहायचा आहे। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का है और ये 1 मार्क्स का, मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, छोटा ही लिखना है, ज़रा मार्क्स देख के कैलकुलेट कीजिए कितना लिखना है। जोत पट्टी शेकावे, ये कविता का लाइन है, इसका आपको सिर्फ अर्थ लिखना है 1 मार्क्स के लिए। तो क्या लिखा है देखिए, मैंने जोत पट्टीत पोलाद धातु शेकल्याने तो अजून मजबूत होतो, जोत पट्टी यानी कि पता है ना आपको, बेकरी ओवन जो होता है बड़ा वाला, उस तरह से जो भट्टी बोलते हैं उसको, तो जब भी किसी धातु को, मेटल को स्ट्रांग बनाना होता है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है वो भट्टी में। ठीक है, सो यहाँ पे वही बोला है, ये पट्टी हो गया, भ कीजिए वहाँ पे, हाँ, जोत पट्टी पोलाद धातु शेकल्या नहीं तो अजूर मजबूत होता, मतलब जोत पट्टी में जब पोलाद धातु को हम लोग गर्म करते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाता है, त्याची गुणवत्ता अजून वाढते, मतलब उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो और अच्छी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से त्याच प्रमाणे कष्टकरी लोकांचे जीवन, लोकांचे आयुष्य सतत येणाऱ्या संकटांमुळे कणखर बनते, तो उसी तरह से, उसी का एग्जाम्पल दिया है, सो उसी तरह से जो कष्ट करने वाले लोग हैं उनके लाइफ में हमेशा संकट आते रहते हैं, डिफिकल्टीज आती रहती है, और उसी के वजह से उनका जो लाइफ होता है वो कणखर, कणखर यानी कि बहुत स्ट्रांग बन जाता है, वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान बन जाते हैं, त्यांनी सर्व प्रकारच्या संकटांचा सामना केलेला असतो, मतलब उन्होंने हर तरीके के जो आपत्ति होती है, जो संकट होते हैं उनका उन्होंने सामना किया हुआ होता है, त्यामुळे ते आता कोणत्याही परिस्थितीत राहण्यासाठी सक्षम झालेले असतात, और इसी वजह से अभी वो इतने सक्षम हो गए, इतने
वो सामर्थ्यशाली हो गए, वो किसी भी कंडीशन में, मतलब बुरे से बुरे कंडीशन में भी वो रहने के लिए क्या होते हैं, सक्षम हुए होते हैं। मतलब सक्षम यानी कि सक्षम हुए होते हैं, मतलब वो वहाँ पे रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, और यही मीनिंग है इस लाइन का। अशा प्रकारे या ओळीचा अर्थ आहे। एक बार मैं मराठी में पूरा अच्छे से बताती हूँ। झोतपट्टीत पोलाद, यहाँ पे भ है यार, झोतपट्टीत पोलाद धातू शेकल्याने तो अजून मजबूत होतो, त्याची गुणवत्ता अजून वाढते। ज्या त्याचप्रमाणे कष्टकरी लोकांचे आयुष्य सतत येणाऱ्या संकटांमुळे कणखर बनते, त्यांनी सर्व प्रकारच्या संकटांचा सामना केलेला असतो, त्यामुळे ते आता कोणत्याही परिस्थितीत राहण्यासाठी सक्षम झालेले असतात। अशा प्रकारे या ओळीचा अर्थ आहे। क्लियर? अभी आगे जाते हैं। शब्दांचे आपको अर्थ लिखना है। जग, जग का समानार्थी शब्द है संसार। जिंदगी का मतलब होता है जीवन, मित्र का मतलब होता है सखा, और दिवस का मतलब होता है दिन। क्लियर? आगे आगे बोला है आपको आशय सौंदर्य लिया, मतलब वही भाषा सौंदर्य, आशय, आशय यानी कि मीनिंग। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। ठीक है, मतलब कवि क्या बोल रहा है, मेरे 2 दिन तो दुख में जाते हैं, 2 दिन ये इंतजार में जाते हैं कि कब सुख आएगा, और ऐसे ही मैं पूरा हिशोब, हिशोब यानी कि मैं कैलकुलेट करते बैठता हूँ कि कितनी राहिले डोए और उन्हाड़े, मतलब अभी और कितना कर्जा है, अभी और कितना कष्ट है मेरे सर के ऊपर, वो मैं गिनता ही चला जाता हूँ। ये इसका शॉर्ट में मैंने मीनिंग बताया, अभी हम लोग डिटेल में अच्छे से लिखेंगे। 2 दिवस, देखिए फिर से मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब भी आप काव्य सौंदर्य, आशय सौंदर्य, जो भी चीज़ें लिखोगे, आपको उस पोयम के बारे में, पोइट के बारे में बताना है। 2 दिवस या कवितेचे कवी नारायण सुर्वे हे आहेत। कवींनी या कवितेत कामगारांच्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटले आहे। अगर ये आपको लाइन डिफिकल्ट जा रही है, तो आप इजी लाइन लिख सकते हो कि कामगारांच्या कष्टमय जीवनाविषयी सांगितले आहे। आपको जो लाइन, देखिए मैंने स्लैश किया है, तो आपको अगर ये लाइन जम रही है तो ये लिखिए, नीचे वाली जम रही है तो वो लिखिए, या आप पे हो, मतलब आप पे है। ठीक है, क्या बोला है मैंने इंट्रोडक्शन में कि 2 दिवस ये जो कविता है, ये नारायण सुर्वे जी है, उन्होंने लिखी है। इस कविता में उन्होंने क्या बताया है, जो कामगार लोग होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले, उनका जो जीवन होता है, उनका रियल जीवन, वास्तव चित्र, मतलब उनका रियल जीवन जो होता है, जो कष्टमय जीवन होता है, उसके बारे में बताया गया है। ओके, इस पोयम में। अभी आपको इस लाइन का भी मतलब लिखना है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे है, कामगारांचे जीवन अतिशय कष्टमय असते, मतलब जो वर्कर होते हैं उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है, बहुत हार्डवर्क होता है, त्यांना पोट भरण्यासाठी सतत काम करावे लागते, मतलब उनको पेट पालने के लिए, पेट को भरने के लिए सतत, मतलब कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। त्यांचे दिवस नेहमी दुःखात आणि सुखाची वाट पाहण्यात जातात, मतलब उनके जो दिन होता है, उनका जो दिन, वो हमेशा दुख में चला जाता है, या फिर सुख अच्छी वाट पाने, या फिर सुख आने वाला है इसके इंतजार में ही उनका दिन चले जाते हैं। त्यांच्या आयुष्यात नेहमी दारिद्र्य असते, मतलब उनके दिन, उनके पूरे आयुष्य में, यानी कि उनके पूरे लाइफ में, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, गरीबी होती है, दारिद्र्य यानी कि गरीबी होती है, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। त्याच्या आयुष्यात, यहाँ पे टिंब आएगा हाँ, त्यांच्या आयुष्यात नेहमी उन्हाळे असतात, मतलब हमारे नेचर में कौन सा भी सीजन चेंज हो जाए, पर उन लोगों के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ समर वेकेशन चालू होता है। समर यानी कि उन्हाळे, उन्हाळे चालू होता है। उन्हाळे मतलब क्या, उन्हाळे मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे वो एक्चुअल मीनिंग नहीं लेना है। उन्हाळे इसका मतलब जो कठिन परिस्थिति होती है, जैसे कि देखिए ना, धूप के टाइम हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, हम छाव को ढूंढते रहते हैं हमेशा, पानी नहीं मिलता सभी जगह पे, सब ड्राई हो जाता है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने बतानी चाहिए है। तो बोलते कि उनका जो, उनके आयुष्य में, कामगारांच्या आयुष्यात नेहमी उन्हाळाच असतो। उन्हाळा मतलब क्या यहाँ पे दिया है, देखिए मैंने, उन्हाळे म्हणजे अतिशय कष्टमय परिस्थिती। उन्हाळे का मतलब क्या लेना है कि उनका जो जीवन होता है, उनके आयुष्य, लाइफ में हमेशा कष्टमय
परिस्थिति ही होती है, हमेशा स्ट्रगल, हमेशा स्ट्रगल करना है उनको, ठीक है। अशीच परिस्थिति कामगारांची असते, और इस तरह की परिस्थिति कामगार यानी कि वर्कर्स की होती है। प्रयत्न आणि मेहनत करून देखील त्यांची परिस्थिती बदलत नाही, ये अलग अलग दो शब्द है। मतलब बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी परिस्थिती इजीली नहीं बदलती है। अजून किती कष्ट करायचे बाकी आहेत यांचा हिशोब कामगार करत राहतो। मतलब और कितना कष्ट है मेरे जीवन में, इसी का वो क्या करते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं। आपने बहुत सारे मूवीज पिक्चर में ऐसी चीज़ें, ऐसा सीन तो देखा ही होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो कैसे 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 फैक्ट्री में काम करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, पर उनका जो लाइफ होता है वो तो पूरा ऐसे ही चला जाता है ना स्ट्रगल में। फिर बाद में बच्चा अच्छे से एजुकेशन लेता है, फिर वो रिच बनता है, फिर उनका बुढ़ापा पेरेंट्स का होता है वो थोड़ा सा सुख में चला जाता है, पर मोस्ट ऑफ उनका पूरा जो लाइफ होता है वो स्ट्रगल करने में ही चला जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। समझ में आया आपको इसका मतलब? एक बार अच्छे से मराठी में रीड करती हूँ। 2 दिवस या कवितेचे कवी नारायण सुर्वे हे आहेत। कवींनी या कवितेत कामगारांच्या जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटले आहे किंवा कामगारांच्या कष्टमय जीवनाविषयी सांगितले आहे। कामगारांचे जीवन अतिशय कष्टमय असते, त्यांना पोट भरण्यासाठी सतत काम करावे लागते, त्यांचे दिवस नेहमी दुःखात आणि सुखाची वाट पाहण्यात जातात, त्यांच्या आयुष्यात नेहमी दारिद्र्य असते। यहाँ पे आयुष्यात तो है तो त्यांचा, यहाँ पे त्यांच्या आयुष्यात नेहमी उन्हाळे असतात, उन्हाळे म्हणजे अतिशय कष्टमय परिस्थिती। अशीच परिस्थिती कामगारांची असते, प्रयत्न आणि मेहनत करून देखील त्यांची परिस्थिती बदलत नाही। अजून किती कष्ट करायचे बाकी आहेत यांचा हिशोब कामगार करत राहतो। ओके अभी जो चौथी है पोयम जो है औक्षण, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।